फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर द पॉजिटिव रिस्पांस टू माय प्रीवियस वीडियोस। प्लीज कीप ऑन लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड टुडेस टॉपिक इज क्लोरोप्लास्ट। चलिए हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट स्टूडेंट ग्रीन प्लास्टिड है ये, और ये ग्रीन प्लास्टिड जिसके अंदर जो है जो क्लोरोप्लास्ट है यानी ये ग्रीन प्लास्टिड है। अगर हम प्लास्टिड को देखें तो वो उसको हम डिवाइड करते हैं कलरलेस पार्ट में जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, कलरफुल यानी रेड येलो ऑरेंज वो हो गया क्रोमोप्लास्ट, और जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसके अंदर मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स, ये मेन जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं। फोटोसिंथेसिस सबको आपको पता है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट्स अपना खुद का फूड बनाते हैं, तो उसके लिए जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स वो इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और यानी क्लोरोप्लास्ट इज द मेन साइट ऑफ फूड प्रोडक्शन और फोटोसिंथेसिस। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है स्टूडेंट? ये प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स। मीजोफिल जो सेल्स होती हैं, ये क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। इसका नंबर जो है वो नंबर शेप साइज सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लांट वेरी करता है। इसका साइज भी शेप भी नंबर भी, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जो क्लेमाइडोमोनास है, क्लेमाइडोमोनास ये ग्रीन एल्गा है, इसके अंदर एक वन पर सेल होता है, खाली एक क्लोरोप्लास्ट होता है। और जो मीजोफिल सेल्स हैं इनमें 20 से लेके 40 पर सेल प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर एक जो ये ग्रीन एल्गा है क्लेमाइडोमोनास, इसके अंदर वन पर सेल यानी एक के अंदर एक ही प्रेजेंट होता है, और मीजोफिल सेल्स में 20-40 पर सेल प्रेजेंट होते हैं। इसका जो शेप है स्टूडेंट वो कैसा है वो हम एक बार देख लेते हैं। शेप जो है क्लोरोप्लास्ट की अलग अलग उसमें अलग अलग है, जैसे किसी के अंदर ये रिबन शेप है, किसी में लेंस शेप है, किसी में गर्डल शेप है, किसी में डिस्कॉइडल है। तो इसकी शेप्स कैसी हैं? जैसे अभी हमने क्लेमाइडोमोनास देखा, तो जो क्लेमाइडोमोनास है इस तरह से होती है उसकी स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये वन पर सेल, अभी हमने पढ़ा कि वन पर सेल है यानी एक सेल के अंदर एक ही होता है, तो ये इस तरह से होता है जिसको हम बोलते हैं कप शेप या हॉर्स शू शेप। तो इसकी क्या हो गया, ये एक ही क्लोरोप्लास्ट है किसके अंदर? क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ये क्लेमाइडोमोनास है, ग्रीन एल्गा है ये, इसके अंदर एक सेल के अंदर एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसकी शेप कैसी है स्टूडेंट? कप शेप। दूसरा अगर हम देखें यूलोथ्रिक्स, ये भी एल्गा है, इसके अंदर नीचे जो है ये होल्ड फास्ट ऑर्गन है जो इसको सबस्ट्रेटम के साथ जॉइन कराता है। उसके बाद इसकी जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर पर सेल के अंदर एक एक क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये गर्डल शेप होता है इस तरह से। जैसे एक गर्डल होती है इस तरह से, वो गर्डल की शेप होता है, जैसे मैं यहां पर आपको बताऊं। एक जैसे हम गर्डल पकड़ने के लिए बनाते हैं उस टाइप से हर एक उसके अंदर होता है जिसको बोलते हैं गर्डल शेप। यूलोथ्रिक्स क्या है ये सेकेंड हो गया गर्डल शेप, किसके अंदर होता है स्टूडेंट? ये यूलोथ्रिक्स, ये भी एल्गा है यूलोथ्रिक्स, इसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और जो स्पायरोगाइरा है, स्पायरोगाइरा के अंदर ये रिबन शेप्ड होता है, स्पायरोगाइरा ये भी एल्गी है ग्रीन एल्गी, इसके अंदर ये रिबन शेप्ड होता है। अगर हम स्पायरोगाइरा को देखें तो स्पायरोगाइरा के अंदर ये रिबन की तरह से, इस तरह से रिबन की तरह से प्रेजेंट होता है। स्पायरोगाइरा में स्टूडेंट ये कैसा हो गया? रिबन शेप। तो तीनों शेप हो गई, ये हो गया कप शेप किसके अंदर? क्लेमाइडोमोनास के अंदर। यूलोथ्रिक्स के अंदर हो गया गर्डल शेप,
स्पाइरोगाइरा के अंदर हो गया रिबन शेप, और जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेनली डिस्कॉइडल ओवल इस टाइप से होता है, डिस्कॉइडल ओवल इस तरह से इसकी शेप होती है हायर प्लांट्स के अंदर। तो अब हम इसकी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। तो हमने देखा कि इसका नंबर भी वेरी कर रहा है, इसका साइज भी वेरी करता है, और इसका शेप भी वेरी करता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, और इसमें टू मेम्ब्रेन्स होती हैं, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा था, इसके अंदर भी ये भी टू मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। टू मेम्ब्रेनस यानी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गई आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये जो बीच का स्पेस है खाली वाला, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा या मैट्रिक्स। स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, ये कोलाइडियल जो है प्रोटीनियसिस जो है सब्सटेंस होते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन। ये क्या होती है मैं भी आपको बताती हूँ। जो एंजाइम्स जो चाहिए डार्क रिएक्शन के लिए, यानी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस टू पार्ट्स में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है, जो क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, और ये टू पार्ट्स में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है स्टूडेंट मीन्स वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, यानी उसके लिए लाइट की जरूरत होती है, तभी वो प्लांट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही क्लोरोफिल को जो है, ये जो क्लोरोफिल है इसी को जो है सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है। इसको हम फोटोसिंथेसिस में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, वो कहाँ होती है वो भी हम बात करते हैं। जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर होती है, और इसके लिए जो भी एंजाइम्स चाहिए वो यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है। तो लाइट रिएक्शन के लिए स्टूडेंट क्या होता है, जो ये इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है इस तरह से, और इसके ऊपर ये इस तरह से जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक के ऊपर जैसे कॉइन को पाइल अप कर दिया जाए इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही यहां से ये एक दूसरे के ऊपर जैसे कॉइन्स रखे होते हैं पाइल अप होते हैं, इस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं, और ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर कनेक्टेड भी हो सकते हैं इस तरह से, बीच में और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंगल को, ये जो सिंगल वाला है इस सिंगल को हम बोलेंगे थाइलेकोइड। ये फ्लैट सैक की तरह स्ट्रक्चर है, तो जो सिंगल ए है एक, उसको हम बोलेंगे थाइलेकोइड, और इसका जो ये ग्रुप बन जाता है इस ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रेनम। यानी अगर हम एक कॉइन को एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर दें तो उस पूरे ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेनम, और सिंगल को बोल रहे हैं हम थाइलेकोइड, और ये जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेली। स्ट्रोमा लेमेली। अब मैं जो बात कर रही थी आपको लाइट रिएक्शन की, तो वो लाइट रिएक्शन यहाँ पर होती है इसके अंदर थाइलेकोइड्स के अंदर, तो यानी यहीं पर वो सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, वो सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो लाइट को अब्सॉर्ब करेंगे, यानी कि यहाँ पर सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी, डी, वो अकॉर्डिंग टू द जो प्लांट है उसके अकॉर्डिंग उसमें होगा। इसके अलावा जितने भी कैरोटेनॉइड्स हैं, ज़ैंथोफिल्स हैं, सारे पिगमेंट्स जो हैं वो लाइट को अब्सॉर्ब करके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, यानी जो मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल ए, उसको देते हैं। इसको स्टूडेंट हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो वो सारे पिगमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, यानी जो सिंगल वाला एक सैक है उसको हम बोलते हैं थाइलेकोइड, अगर ग्रुप होगा तो उसको हम बोलेंगे ग्रेनम। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, तो अगर हम एक की स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें इस तरह से दिख रहा है, ठीक है, और ये दूसरा हो गया, तो ये हो गई एक की ल्यूमेन इस तरह से, ये जो बीच वाला खाली जगह है इसको हम बोलेंगे ल्यूमेन। ये हमने क्या बनाया स्टूडेंट, थाइलेकोइड,
और ये ल्यूमन हो गई इसकी, यानी बीच वाली जो स्पेस है। अब यहाँ पर जो ये लाइट रिएक्शन है, इसमें जो है दो फोटोसिंथेटिक जो पाथवे बनते हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट, यानी जो स्ट्रोमा के कॉन्टेक्ट में रहता है, ये वाला पार्ट जहां पर ये स्ट्रोमा के कॉन्टेक्ट में है, ये वाला रीजन, क्योंकि हमने इसको यहाँ से ये दो बना दिए हैं, तो ये वाले यहाँ पर जो होता है वो फोटोसिस्टम 1 होता है। और ये जो दोनों मेम्ब्रेन जहां पे कांटेक्ट में है, जहां पर ये स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है, वहां पर होता है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 क्या है स्टूडेंट? फोटोसिस्टम 1 जो 700 नैनोमीटर तक की लाइट ऑब्जॉर्ब करता है यहाँ पर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, और बाकी मैं डिटेल में आपको फोटोसिंथेसिस बताऊंगी। तो PS1 बाहर होता है जो 700 nm तक की लाइट ऑब्जॉर्ब करता है। PS2 जो है ये, इसमें भी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो होता है वो मेन पिगमेंट है, पर ये 680 nm तक की लाइट को अब्सॉर्ब करता है। तो ये कहाँ होता है? ये अप्रेस्ड रीजन में, यानी जो बीच में है, दबा हुआ है, और जो जहां पर मेम्ब्रेन आपस में कांटेक्ट में है, स्ट्रोमा कांटेक्ट में नहीं है, बाहर वाला ये नॉन अप्रेस्ड पार्ट है जो स्ट्रोमा के कॉन्टेक्ट में है, और यहाँ पर PS1 सिस्टम चलता है। तो यानी जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हैं जो लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं वो सारे यहाँ प्रेजेंट हैं। तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो यहाँ पर होती है इसके अंदर, थायरॉइड के अंदर, और जो ये स्ट्रोमा वाला पार्ट है यहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है। यानी डार्क जो है ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इनडायरेक्टली क्यों डिपेंडेंट है स्टूडेंट? क्योंकि लाइट रिएक्शन में क्या बनता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, कौन कौन से? ATP और NADPH। NADPH ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, NADPH मींस निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसकी डिटेल में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस में। ये दोनों पिगमेंट कहाँ बनते हैं? लाइट रिएक्शन में, यानी यहाँ पर थायरॉइड के अंदर। ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, और ये जो डार्क रिएक्शन है वो अपने डार्क रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट में। यानी जो मेन फूड बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन में। तो उसके लिए सारे एंजाइम्स यहाँ प्रेजेंट हैं, पर इसको एनर्जी कौन देगा? जो लाइट रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये जो दोनों मॉलिक्यूल जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कराने के लिए, जिसमें बेसिकली फूड बन रहा है। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि ये इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। डायरेक्टली डिपेंडेंट कौन सी है? लाइट रिएक्शन। अब इसके अलावा और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर भी स्टूडेंट एक सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर था। मैंने आपको बताया था वहां पर कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऑर्गेनल ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, क्योंकि अपने जैसे ऑर्गेनल खुद बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इसका खुद का डीएनए है, और खुद के ही क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट यहाँ पर? राइबोसोम। और आपको पता है कि राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये खुद अपने जैसे ऑर्गेनल और बना सकता है क्योंकि इसका खुद का राइबोसोम है। अब ये कौन सा वाला राइबोसोम है? 70S टाइप। और डीएनए खुद का प्रेजेंट है इसलिए ये अपने जैसे ऑर्गेनल खुद बना सकता है, अपनी प्रोटीन खुद बना सकता है, और इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी ऑटोनॉमस बॉडी। तो आपको समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ है, परमेबल है। इनर मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल है, सिलेक्टिवली परमेबल है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पर देखिए ये जो बीच वाली कैविटी है, स्पेस है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा और मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है जो डार्क रिएक्शन के लिए चाहिए। और लाइट रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? थायलाकॉइड में, जो कॉइंस की तरह एक दूसरे के ऊपर पाइल अप है, एक को हम थायलाकॉइड बोल रहे हैं, ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ग्रेनम। और ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? डीएनए एंड राइबोसोम। और ये बीच का स्पेस है जहां पर ये पूरा जो है एंजाइम्स और कोलाइडल प्रोटीनियस सब्सटेंस प्रेजेंट है, जिसके अंदर सारे एंजाइम्स हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या हो गया स्टूडेंट? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फूड की प्रोसेस बनाने का काम यही कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में। तो ये इसका मेन फंक्शन हो गया, यानी फोटोसिंथेसिस। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे।